Today I will explain you about changing page color. To change the page color, आपको यहाँ पे पेज कलर चेंज करना है. फर्स्ट क्लिक द पेज लेआउट टैब. कहाँ जाना है आपको? ऊपर ये पेज लेआउट टैब है, वहां पर लेफ्ट क्लिक करना है. इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप क्लिक द पेज कलर ऑप्शन. यहाँ पर ये पेज लेआउट में थर्ड ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है? ये पेज बैकग्राउंड ग्रुप. इसके अंदर से कौन सा सिलेक्ट करना है? क्लिक द पेज कलर ऑप्शन. क्लिक द पेज कलर ऑप्शन को हमें क्लिक करना है. सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द मेन्यू और क्लिक ऑन द फिल इफेक्ट ऑप्शन. द फिल इफेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. क्लिक द डिजायर्ड टैब. ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर. सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन एंड क्लिक ओके. पेज कलर में से अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर बहुत सारे कलर आएंगे, थीम कलर. उसमें से जैसा आप कलर करोगे पेज का कलर उस तरह हो जाएगा. जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए ब्लू कलर, तो मैंने यहाँ ब्लू कलर पे जाके क्लिक किया तो ब्लू कलर आ गया. नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर है, पेज लेआउट. पेज कलर पर अगेन फिर से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आता है. लास्ट ऑप्शन क्या है? फिल इफेक्ट. फिल इफेक्ट पे मुझे क्लिक करना है. क्लिक करते ही फिल इफेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ पे ग्रेडियंट में ना जाके मैंने यहाँ टेक्सचर पे क्लिक किया है. टेक्सचर में जिस तरह क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे. यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर के इमेजेस आएगी. यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पर ये ब्लू वाला इमेज क्लिक किया, यहाँ इसका सैंपल आ जाएगा और इसे ओके. ओके करते ही पेज का कलर चेंज हो जाएगा. अगेन फिर से बता रही हूँ कहाँ जाना है आपको. पेज लेआउट में क्लिक करना है. पेज लेआउट के बाद आपको कहाँ जाना है? इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप. ये रहा पेज बैकग्राउंड ग्रुप. इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है? पेज कलर ऑप्शन. क्लिक द पेज कलर ऑप्शन. पेज कलर ऑप्शन में सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर. आपको जैसा कलर चाहिए वैसा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ ऑरेंज लिया तो ऑरेंज आ जाएगा. अगेन फिर से बता रही हूँ पेज कलर पे क्लिक करना है. अगर आपको यहाँ से कलर चूज नहीं करना है, कोई फिल इफेक्ट देना है, तो लास्ट के लास्ट में यहाँ नीचे लिखा हुआ है फिल इफेक्ट ऑप्शन. आपको फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिल इफेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. क्लिक द डिजायर्ड टैब. अब आपको ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न्स, पिक्चर्स, जैसा आपको चाहिए. मुझे टेक्सचर चाहिए तो मैंने टेक्सचर पे क्लिक किया. अब मुझे यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है यहाँ अलग अलग यहाँ टेक्सचर दे रखे हैं. जैसा आपको चाहिए, मुझे ये ग्रीन चाहिए तो ग्रीन इसका सैंपल इमेज यहाँ आ जाएगा एंड देन लास्ट में ओके. इस तरह आप क्या कर सकते हो? पेज कलर चेंज कर सकते हो.